हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो अभी दिन का 1:30 बज गया है और हमारा आज लंच हो गया है। आप सोच सकते हैं कितने जल्दी, बताएं क्यों ऐसे लंच इतने जल्दी आज कैसे हो गया? क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, सीधा डायरेक्ट लंच बना दिया। और शायद ने तो 12:30 बजे ही लंच कर लिया था, आज जल्दी हो गया। आज के भी मौसम बहुत अच्छा था, सो मैंने सोचा कि काम वाम करने ख़त्म हो जाएगा ना, तो बालकनी में जाके बैठेंगे, शान के साथ खेलेंगे कुछ। क्योंकि बालकनी में वैसे तो बैठ ही नहीं पाते हैं क्योंकि मौसम ऐसा रहता है ना, बहुत तेज़ धूप और गर्मी। और आज पूरी रात बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है ना, इतनी बारिश हुई है। जब 5 बजे उठे मैंने देखा इतनी बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और मुझे कुछ काम करना था, मैं आपको बताती हूँ। मुझे एक काम करना था, बट हुआ क्या, मैंने किया नहीं क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठी। मैंने कहा क्योंकि बारिश होगी, ये जो बालकनी है ना यहाँ पे, ये जो यहाँ पे हम लोगों ने मंदिर बना रखा है, बाद में कभी आप लोगों से शेयर करूँगी। सो ये बालकनी है ना, यहाँ पे ना बहुत सारे, ये हमारी बालकनी है और यहाँ पे बहुत सारे कबूतर ने ना पीछे पॉटी कर दिया। आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा कबूतर आते थे ना यहाँ पे, इतने ज़्यादा। जब हम लोग घर से आए तो ये भरा हुआ था, ये जो है ना, ये भरा हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ मैंने साफ़ कर दिया है थोड़ा बहुत, लेकिन नीचे पानी जाता है तो साफ़ ज़्यादा नहीं कर सकते। तो नीचे पानी जाता है इसलिए हम लोग ज़्यादा साफ़ नहीं कर सकते, जब बारिश होगी ना तभी इतना साफ़ कर सकते हैं। तो सुबह सुबह बहुत बारिश हो रही थी, मैंने सोचा साफ़ कर देते हैं। 5 बजे हम उठे, देखा बट बाहर थोड़ा सा अंधेरा था, फिर मेरा मन नहीं हुआ, फिर मैं जाके सो गई। बट इसको साफ करना है। हाँ शाइन, और ये हमारे यहाँ पे हम लोगों ने किचन वाला नेट लगवा लिया है। वाओ, और आज हमारा शाइन बहुत क्यूट लग रहा है, दिखाओ। व्हाट आर यू डूइंग शाइन? आज शाइन ने बहुत पुरानी टी शर्ट पहनी है, जब ये कितना 9 मंथ का था शायद, तब मैं लेके आई थी और इसको आ गई, बट थोड़ा सा छोटी है। देखो दिखा तो शाइन अपनी हेयर्स, शाइन के आज हेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। शाहिन के हेयर्स में ना आज हमने ऑयल नहीं लगाया है, और मैं थोड़ा उजड़ी चमन की तरह हूँ क्योंकि मैंने कॉम नहीं किया है, बिंदी नहीं लगाई। मैं जल्दी जल्दी नहा के आई और सीधा खाना बनाने लग गई। हाँ, और शाहिन की बोट है, ये अपने बोट दिखा रहा है, इसने ठीक किया है ना। शाहिन ने ठीक किया है, पापा ने ठीक किया है। ओके, पापा इसके कॉल पे हैं। सो मैंने, मेरा भी खाना हो गया है, यहाँ पे मैट वैट पड़ा है। हाँ शाहिन बेटा, अभी इस टाइम पे वो, ये मैंने बर्तन यहाँ पे निकाल के रख दिए हैं, अब मैं साफ करूंगी बाद में। अभी इतने जाती हूँ, थोड़ा सा शाइन को, शाइन आज वो कर लो, होमवर्क कर लो बेटा, अभी कर लो, इवनिंग में नहीं कराएंगे फिर। ओके, अभी होमवर्क कर लो, इधर आओ। शाइन पता नहीं क्या अपनी बुक ही लेने चला गया, होमवर्क करने में उसका इतना इंटरेस्ट है ना। अभी बोल दो तो अभी, चाहे जब बोल दो तब कर लेगा होमवर्क। शाइन बेटा, सारी बुक नहीं लानी है, कम है। ये देख, लेके आ गया शाइन। हाँ, आज कुछ मैंने उसको पुरानी टी शर्ट पहना दी, वो छोटी सी हो गई है, बहुत क्यूट लग रहा है। ये देखो मेरा क्यूट, ये देखो कुशल हमेशा ऊपर ही रखे रहता है, इधर आ। हमें सी, ये हमारा क्यूटी बॉय, सी सी बेबी क्यूटी बॉय, सी शाइन। हाँ, से हेलो, हाउ आर यू? सी, व्हाट इज दिस? मुझे इसके ना बाल जब मैं कट करती हूँ ना हेयर, तब शाइन के पसंद आते हैं। जब कोई और कट कर देता ना, जब हम लोग झांसी गए थे वहाँ पे, वो कट बार बार ने कट कर दिए था, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे शाइन के। उसने इतने छोटे छोटे कर दिए थे ना, कब ये सी 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 दिस। पेंसिल, ओके, पेंसिल लेने गया है। मौसम बहुत अच्छा हो ना तो काम करने में भी मन लगता है। मैं जाती हूँ बाग बालकनी में, बहुत काम पड़ा है मेरा, तो काम ही ख़त्म नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आता कभी ऐसा होगा कि मेरा काम ख़त्म होगा, काम ख़त्म होते ही नहीं है। शाइन क्या लेने जा रहे हो? इसके पास पेंसिल बॉक्स, क्या करना? ओपन, कम यार, सिट ना बेटा, सिट, वाइट गोज, सिट हियर फर्स्ट। हाँ, देन क्या करना है फ्रेंड को? इमी पेंसिल, क्या करेगा पेंसिल से? आगे भी येलो पेंसिल, येलो पेंसिल, ओके। अब क्या करेगा शाइनी? ये देखो राइटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है?
क्या राइट कर रहे हो? राइट द मिसिंग लेटर्स, राइट द, बट बेबी टेबल ले लो, वहाँ बैठो, यहाँ पे आप राइट नहीं कर पाओगे सही से। शाइन वाला राइटिंग कर रहा है मिसिंग लेटर्स, कम है। और आजकल शाइन को आ आ ई, शाइन ये तो सुनाना बेटा, आ फॉर अनार, आ फॉर फॉर बोलता है, एंड ई फॉर, ई फॉर बड़ी, ई फॉर हम लोग पहले पढ़ते थे, आ फॉर नहीं, आ से अनार, आ से आम, शाइन पढ़ता है आ फॉर ए, आ फॉर मैं एप्पल बोली, आ फॉर अनार, आ फॉर आम, ई फॉर इमली, एंड ई फॉर ईक, एंड ऊपर। सो मेरी किचन साफ़ हो गई है, मैंने बहुत ही अच्छे से किचन साफ़ कर दी है। जब भी हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद मैं किचन साफ़ कर देती, भले ही बर्तन बाद में धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन साथ साथ धोना तो बहुत टाइम लग जाता है, बर्तन बाद में धो लूँगी। और आज ना मेरा दही नहीं जमा, पता नहीं क्यों, इतना मौसम ठंडा है, मैंने रात में रख दिया था और दही जमा ही नहीं, और ये घड़ा रखा है, इससे ही हम लोग अभी भी पानी पीते हैं। और ये मैंने बर्तन रख दिए हैं सिंक में, और सारी किचन साफ़ कर दी है। अब मैं जाती हूँ अपना थोड़ा सा हेयर्स वेयर्स ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत उजड़े चमन की तरह मैं लग रही हूँ, और मेरी टी शर्ट भी गंदी हो गई है थोड़ा सा। जब मैं खाना बनाती हूँ, पहले तो एप्रन पहन लेते थे, अब मैं भूल जाती हूँ पहनना। पहले मैं बहुत पहनती थी, जब नया नया मैं खाना शुरू किया था ना, मैं आता नहीं था इतना, तो बहुत गिरता था जब भी रोटी बनाते थे, तो अब मैं भूल जाती हूँ, अब मुझसे गिरता नहीं है, मैं मेरे कपड़े साफ़ रहते हैं, बस थोड़ा बहुत कभी कभी शाइन को खाना खिलाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत गिर जाता है। और अब मैं जाती हूँ थोड़ा सा काम कर लूँ, देख लूँ, बहुत काम फैला है, काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं है। ये देखो मैं क्या करती हूँ ना, किचन का मैं क्या करती हूँ, जो डिब्बे हैं ना किचन के, एक साथ मैं वॉश नहीं करती, मैं क्या करती हूँ, दो दो तीन तीन ना धीरे धीरे वॉश करते रहते हैं, एक साथ करो तो मैं बहुत थक जाती हूँ, तो धीरे धीरे करते रहते हैं। अभी कोई इतना आना तो है नहीं। यहाँ पे शाइन कर रहा है राइटिंग। शाइन क्या कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा? हाँ शाइन, व्हाट आर यू डूइंग? वेट, से समथिंग। गाइस, सो अभी शाम का 6 बज गया है, और खाना बहुत जल्दी खा लिया था, तो भूख बहुत तेज़ लगी है, क्योंकि काम भी कर रहे थे, सो गए थे थोड़ा सा, काम थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद सो गए, शाइन और मैं दोनों ही सो गए थे, तभी उजड़ी उजड़ी लग रही हूँ मैं, उजड़ी दिन भर ही लगती हूँ क्या। सो अभी शाइन को भूख लगी है, मुझे भी थोड़ी सी भूख लगी है, कुछ तो खाने का मन है। और बारिश वारिश बहुत हो रही है यहाँ पे, तो मौसम बहुत अच्छा है, और तो मैंने सोचा आज गुलगुला बना लेते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं बना रही हूँ, रेसिपी कभी और शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी में बनाना था, इसलिए मैंने कढ़ाई रख दी है, बस मैं तलने जा रही हूँ, अभी बना के खा लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत लगी है। आज 1:30 बजे खाना खा लिया था ना, तो पता नहीं क्यों आज भूख लगाई बहुत जल्दी, और बारिश बारिश मौसम देखो ना, तो और जल्दी भूख लगाती है। सो मैं बहुत अलग टाइप से बनाती हूँ, बहुत कुछ डालती हूँ उसमें, कभी फिर कभी शेयर कर लूँगी, क्योंकि मैं बनाती ही रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे पसंद होता है मैं वही चीज़ अधिकतर बनाती हूँ, और अधिकतर क्या, मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ जो मुझे पसंद होता है। सो मैं अभी बना लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। शाइन को भूख लगी है, शाइन ने अभी एक बनाना खा लिया है उठ के, अभी देखो उसको भूख लगाती है, उसको हर 2-3 घंटे में भूख लगाती है। अभी मैं बना लेती हूँ, कढ़ाई गर्म हो गई है, मैं डाल रही हूँ उसमें घी, ये रखा हुआ है, ये मैंने खुद बनाया घी, ये देखो ये मैंने घी डाल दिया है इसमें कढ़ाई में, और मैं उतना ही घी यूज़ डालती हूँ जितना यूज़ में आ सके, क्योंकि उसको रीयूज़ ना करना पड़े, इसलिए मैं उतना ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा भरते नहीं है, क्योंकि कढ़ाई में बहुत भर लेते ना, इतना मैं नहीं करती। ये हमारा मिक्सचर है, गुड़ और आटा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आप कभी आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी, ये फ़िलहाल बना लूँ, क्योंकि घी बस गर्म कर लें, इसके बाद मैं बना लेती हूँ। ये मेरी चिमनी कुछ ज़्यादा अच्छी है, इसमें लाइट लगी है ना, तो बहुत अच्छा है, अच्छी से रोशनी पड़ती है पूरा कढ़ाई पे।
ये मैंने घी में डाल दिए हैं और मैं घी थोड़ा सा कम डालती हूँ जिससे बार बार मुझे रीयूज ना करना पड़ेगी। सो ये बहुत स्लो गैस पे सिकते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा मोटे होते हैं और अगर तेज़ में सेक दिया ना तो ऊपर ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से तलेंगे ही नहीं। सो ये देखो ये हल्का ब्राउन हो चुका है, अभी थोड़ी देर में तल जाएगा। और मैं एक आपको सजेशन देती हूँ, यदि आप कुछ भी फ्राई करते हैं ना तो प्लीज़ घी में किया करें क्योंकि घी कभी नुकसान नहीं करता। और ये देखो ये मेरे तल गए हैं, अब मैं जा रही हूँ शाइन को देने। शाइन को ये बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छे लगते हैं जब भी आप कुछ तले ना, बट घी में ही तले। ये देखिए घी लगता भी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं कि घी बहुत ज़्यादा लगता है, नहीं लगता इतना। Oh, I don't need it. What is this? I don't know. You don't know? Boy, very hot shine. Hurry. Put it here. Wait. देखा आपने साइन कितना एक्साइटेड था। और ये देखो ये मेरे सारे गुलगुले तल गए हैं और तब भी इसमें घी बच गया है, मतलब ये है कि घी सोखता नहीं है ज़्यादा। और ये मैंने एक टिश्यू पेपर नीचे लगा रखा है जिससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा घी होगा वो निकल जाएगा। सो ये मेरे फ्राई हो गए। सो अब मैं जाती हूँ शाइन को बालकनी में लेके। और ये हम लोग गुलगुला खाने के बाद आ गए हैं बालकनी में। और ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ लोटस, और क्योंकि बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहना चाहिए कि नेशनल फ्लावर कौन सा है, नेशनल बर्ड कौन सा है, मैं उसको ड्राइंग करके बताती रहती हूँ कैसे बनाओ ऐसे बनाओ। और हम आज मौसम बहुत अच्छा है तो बालकनी में ये बोर्ड बहुत अच्छा लगता है मुझे, कहीं भी उठा के रख लो और मार्कर से बहुत अच्छे से बन जाता है। ये देखो ये शाइन राइट भी, मैंने राइटिंग करके करके भी बताया है उसको कि लोटस की स्पेलिंग क्या है। सो ये देखो बाद में इसने क्या किया है ना, ये मेरा क्रॉस कर दिया है और इसके पापा ने भी छोटा सा एक बनाया था ये वाला, इसको भी क्रॉस कर दिया, कह रहा ये भी अच्छा नहीं है। और इसने अपने पे टिक कर लिया कि ये बहुत अच्छा है। सो मेरी और शाइन की मस्ती ऐसे ही चलती रहती है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आते हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय।